आमतौर पर शहरों में खेल और खिलाड़ियों से जुड़े बड़े आयोजन होते रहे हैं, लेकिन ग्रामीण स्तर पर भी खेल प्रेमी मौजूद हैं, खिलाड़ी मौजूद हैं और आमतौर पर मीडिया कवरेज से दूर रहते हैं। हम मौजूद हैं चैनपुर के इलाका लिद्दकी में, जहां पिछले कई वर्षों से क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता रहा है। एक ऐसे ही खेल प्रेमी जो अब नहीं रहे, रंजीत सिंह के याद में। युवा रंजीत सिंह की याद में हर वर्ष लिद्दकी के जो खेल प्रेमी हैं वो मिलकर इन्होंने सिंह क्रिकेट क्लब बनाया है और इसके माध्यम से यहाँ हर प्रत्येक वर्ष आयोजन होता है। इस साल भी क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन माटी कला बोर्ड के सदस्य और क्रीड़ा भारती के अध्यक्ष अविनाश देव ने किया। सबसे पहले अविनाश देव ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। दोनों टीम के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए उन्होंने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और खेल भावना से खेलने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद फीता काटकर उद्घाटन किया। अविनाश देव के साथ चैनपुर के जिला उत्तरी के जिला परिषद सदस्य विकास चौरसिया थे, उनके साथ युवा समाज सेवी और भावी मुखिया प्रत्याशी विकास दुबे भी थे और साथ ही लिद्दकी के अन्य ग्रामीण जनता व खिलाड़ी भी मौजूद थे। इस पूरे आयोजन के बाद अविनाश देव ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेल भावना से खेलें, युवा में काफ़ी जोश होता है और पैसे के अभाव में वे खेल की जो प्रतिभा है, खिलाड़ियों की जो प्रतिभा है, उस प्रतिभा को कभी भी कम नहीं होने देंगे, इसका भरोसा अविनाश देव ने दिलाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि पलामू की जो प्रतिभा है वो राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर फैले, इसके लिए वे अपने स्तर से आगे भी प्रयास करते रहेंगे। रंजीत सिंह क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है और लिद्दकी ग्राम के पावन भूमि पर अभी दो टीमें खेल रही है और काफ़ी खेल की अच्छी शुरुआत हुई है। और मैं ज़रूर संदेश देना चाहूँगा बच्चों को कि आप अनुशासित तरीके से खेलें और अच्छे से खेलें, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है, बहुत आगे आपको हमको बढ़ना है लेकर। और मैं ज़रूर एक संदेश देना चाहूँगा कि आज के वर्तमान हालात को देखते हुए जो अधिकतर बच्चे हैं वो मोबाइल से खेल रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि बच्चे मोबाइल से न खेल के बच्चे ज़मीन पर खेलें तो उनका शारीरिक और मानसिक दोनों विकास होगा। मोबाइल से खेलना बहुत घातक है। बच्चे क्रिकेट खेलें, फुटबॉल खेलें, हर खेल को खेलें और बच्चे जब जब खेलेंगे तब तब पलामू मेरा खेलेगा। बच्चा का खेलना ही पलामू को खेलना है।